हेलो गाइस, वेलकम टू किट्टी कलेक्शन बुटीक। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मदर डॉटर कलेक्शन, जो कि बैक से लॉन्ग आएगी और फ्रंट से शॉर्ट में आएगी। सेम इसका जो बच्चे का होगा वो भी सेम होगा, वो भी बैक से लॉन्ग आएगा और फ्रंट से शॉर्ट आएगा। बहुत जल्दी बनाने वाली ड्रेस है, बहुत ही जल्दी और कम समय में बन जाती है। ये अम्ब्रेला, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक काटते हैं ऐसे ही ये कटती है, तो बनाते हैं इसको। उसके लिए मैंने एक तह में फोल्ड किया है कपड़ा, ये डबल तह है इसकी, हम चार तह में फोल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हैवी हो जाती है फिर ड्रेस। तो एक तह में हमने फोल्ड किया है ये अम्ब्रेला टाइप में। और जैसे हम कुर्ती काटते हैं सिंपल, उसी तरह से हमें ये काटनी है। अब हमने इसको चार तह में कर लिया है, और जैसे कुर्ती काटते हैं उसी तरह से हम इसको कट करेंगे। उसके लिए 6 इंच के हम इसके मुड्डे रखेंगे। इसके और 6 इंच की हम इसमें आर्म होल लगाएंगे। ये साइज़ मैं एल साइज़ बना रही हूँ, तो इसकी जो 38 चेस्ट साइज बनेगी। ये कमर का निशान हम लगा लेंगे, जितनी हमारी कमर है उतना हम निशान, जितना भी है उतना लगा लेंगे। ये मैंने 34 इंच लगाया है। अब इसकी लंबाई हम देख लेंगे, लंबाई कितनी रखनी है हमें। इसकी लंबाई हमें 40 इंच तैयार रखनी है, जो बैक साइड आएगी। ये हम निशान लगा लेंगे। ये साइड से जो है वो शॉर्ट होगी और ये जो बीच आएगी वो लॉन्ग आएगी। इसको मार्क कर देंगे यहाँ पे, एक एक इंच मार्जिन दे हमारे कमर है उतना ही हम निशान लगाते जाएंगे इसमें, क्योंकि हमें इसमें इंटरलॉक करनी है, तो इस वजह से थोड़ा ही मार्जिन छोड़ रहे हैं। इसको कट कर देंगे। अब ये ड्रेस हमारी कट हो गई है। अब इसमें से एक एक पार्ट हम निकाल लेंगे। ये पीछे का हमारा लॉन्ग ऐसे ही रहेगा और आगे का हमारा शॉर्ट होगा, तो इसमें हम गोलाई देंगे पहले। ये हमारा पीछे का भाग हो गया। इसका हम गला काट लेंगे। तीन इंच की चौड़ाई हम गले की रखेंगे। लंबाई हम 2 इंच रखेंगे बस, क्योंकि सिर्फ हमें गोलाई देनी है थोड़ी सी, ज़्यादा बड़ा गला इसका नहीं रखना है। ये आगे का गला हम काट लेंगे अब। और इसका भी 3 इंच की चौड़ाई हम गले की रखेंगे, और लंबाई भी हम 3 इंच की ही रख रहे हैं इसकी। अब इसकी लंबाई नाप लेंगे हम, जितने भी हमें रखनी है। ये हम 32 इंच ऊपर से रखेंगे और इसको गोलाई दे देंगे। आगे से हमारा 32 इंच होगा, पीछे से 40 इंच होगा।
ये कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा इसका। अब हम गले की पट्टी निकाल लेंगे इसकी। ये इस फैब्रिक में हम, ये पॉलिस्टर फैब्रिक है तो इसमें हम सीधी पट्टी निकालते हैं, वो भी आसानी से लग जाती है। अगर आप किसी और कपड़े में बना रहे हो तो इसकी जो और ये भी पट्टी काटना, ये मैं सीधी इसलिए काटती हूँ क्योंकि ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है और आसानी से सीधी पट्टी इसकी लग जाती है। ये गले की और बाजू की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। इसे भी हम अंदर से ही लगाते हैं पूरी। बच्चे का भी हमने रख लिया है, चार तह में इसे भी फोल्ड कर लिया ऐसे ही। ये हम 4 से 5 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो इसकी लंबाई 25 इंच रखेंगे हम। ये और जो इसके मुड्डे हैं वो हम 5 इंच रखेंगे और बाजू का निशान भी 5 इंच लगाएंगे। इसकी चेस्ट साइज हम 26 इंच लगाएंगे और लंबाई रखेंगे 25 इंच इसकी। सेम ऐसे ही गोलाई दे देंगे जैसे हमने बड़े के में दी है, ऐसे ही हम सेम बच्चे का भी बनाएंगे। बहुत ही कम समय में और स्टाइलिश ड्रेस बनने वाली है ये, बहुत ही कम समय लगता है और अच्छी भी काफ़ी लगती है। जल्दी बना सकते हो, कहीं भी पहन के जाना हो एकदम तो जल्दी बना सकते हो और एकदम पहन के भी जा सकते हो। ऐसी ड्रेस है ये, ज़्यादा टाइम नहीं भी नहीं लगेगा और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। बच्चे का भी हम गला इसका कट कर लेंगे। पहले जितना हमने बड़े के में जो गोलाई दी थी उतनी ही हम इसमें दे देंगे। ये भी सेम कट कर लिया हमने, अब इसका गला भी कट कर लेंगे। 2 इंच की हम इसमें चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच की लंबाई रखेंगे, गोलाई दे देंगे, कट कर देंगे इसको। ये भी हमारा कट हो गया है, अब इसको जोड़ते हैं। तो दोनों मुड्डे जो हमारे हैं वो उसको दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसमें हम पट्टी लगाएंगे। ये वाला मुड्डा भी जोड़ लेंगे। मुड्डे जुड़ गए हैं हमारे और अब जो भी हमारा साइज़ है जहाँ हमने निशान लगाया हो वहाँ पर सिलाई पूरे में चला लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाले ड्रेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट में दोनों ड्रेस बनके तैयार हो जाती है। ये दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है, इस पर इधर भी लग गई है और अब इधर भी हम लगा लेंगे दूसरी साइड भी। दोनों साइड हमारी सिलाई लग गई है, अब हम इस पर पीको करेंगे। जो नीचे है इसमें हमने कटिंग करी थी तो उसमें हम पीको करेंगे ना कि सिलाई। अब हम इसके जो बाजू है और गले की पट्टी है वो लगाएंगे। इसमें मैंने पीको कर ली है, ये देखिए पीको से बहुत अच्छा लुक आता है इसका। अंदर भी ओवर लॉक हो गई है इसकी। अब हम इसकी गले की पट्टी लगाएंगे, जो हमने सीधी सीधी काटी थी वो ऐसे ही इसमें लगा देंगे। ये हमारी गले की पट्टी है, तो ये हमने पहले अटैच कर ली थी
ये सिंपल लगाने के बाद इसको अंदर को ही फोल्ड कर देंगे, मतलब बाहर को फोल्ड करेंगे। ये ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको, ताकि पट्टी हमारी बहुत अच्छी आती है। ये वाली पट्टी अगर आप भी लगाओगे बिना बुकरम के, बहुत अच्छा गला बनता है इससे। ये हमारा गला तैयार हो गया है बनके, बता रहे हो। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है गले का। ये अंदर से हमने बाहर को लगाई है, और कहीं इसका जो जॉइंट है वो भी नहीं समझ में आ रहा कहाँ हमने जॉइंट करा था। अब हम बाजू की भी ऐसी लगा लेंगे पट्टी। ये हम ऐसा पट्टी रखते हैं, और जितनी हमारी बाजू होती है उतना ही निशान हम पट्टी का लगा के उस पर जो है सिलाई लगा लेते हैं, और उसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके जितने जैसे हमें बाजू पर रखनी है ऐसे ही हम रख लेंगे, और ऐसे ही सिल देंगे जैसे हम टी शर्ट वगैरह पर लगाते हैं, ऐसे ही इसमें लगेगी। बाजू पे भी ऐसे ही लगा लेंगे हम। ये देखिए बाजू पे भी लग गई है हमारी सिलाई। अब हम इसको भी फोल्ड करेंगे। इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये ऐसे ही फोल्ड हो जाती है। अगर आप होजरी के कपड़े में ड्रेस पहनते हैं, और जो ये पट्टी है वो भी बहुत अच्छे से लगती है। ये देखिए गला भी तैयार है हमारा, और बाजू भी लग के तैयार है। बच्चे का भी सेम ऐसे ही बनाएंगे हम, जैसे हमने ये बड़े का बनाया सेम बच्चे का भी ऐसे ही बनेगा। ये मुड्डे पे भी सिलाई कर लेंगे हम पहले। ये हमारी सिलाई हो गई है, अब साइड में कर लेंगे जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है। ये भी हमारी सिलाई हो गई है, इस पर भी हम जो है इंटरलॉक करेंगे।